हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उसका फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका वीडियो अलग से बनाया गया है, वो आप देखोगे तब जाके आपको कैपिटल स्ट्रक्चर समझेगा। फिर इसका फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको इसका फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन समझेगा। और फिर इसका प्रैक्टिकल वीडियो, वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप देखोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहाँ पे लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करूँगा फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर क्वेश्चन आता है बैफ लेवल पे, एमकॉम लेवल पे, आईपीसीसी लेवल पे, सीए लेवल पे, जो भी इंटर सीए लेवल पे, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस में पैसा लगाना है, पैसा लगाया उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अपना पैसा लगेगा कि बाहर वाले का। तो वो टोटली डिपेंड होता है एक चीज़ पे, प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट जिस चीज में, जिस ऑप्शन में प्रॉफिट ज्यादा होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो हम लोग लेते हैं सबसे पहला सेल्स, बराबर है ना। हर एक बिजनेस में मेन जो इसकी जान है, रीढ़ की हड्डी क्या होती है, सेल्स होती है। सेल्स के बाद दो एक्स से एक्सपेंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है वेरिएबल कॉस्ट, इसके अंदर सब आ जाता है, मतलब सेल्स को करने का खर्चा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आप फर्नीचर बेच रहे हो, तो फर्नीचर कैसे बनता है, टिम्बर से बनता है, लकड़ी से बनता है, तो लकड़ी इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो जितने ज्यादा फर्नीचर बेचोगे उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, तो सेल्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता घटता रहता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। सेल्स को करने के लिए मेन खर्चा इज वेरिएबल, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ भाई कितना प्रॉफिट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट मतलब कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, कुछ ऐसे खर्चे जो फिक्स है, आप कुछ करो या मत करो आपको वो खर्चा देना है। जैसे ये फर्नीचर बेच रहे थे ना, तो आप एक शॉप में बेच रहे हो, शॉप आपका नहीं है, भाड़े पे ले रहे हो, तो शॉप आप ओपन करो, बंद करो, एक फर्नीचर बेचो, हजार फर्नीचर बेचो, आपको उसका रेंट 10,000 है तो वो पे करना ही होगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट। इसलिए हम लोग माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, इसके बाद अपने को मिलता है प्रॉफिट, ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है। लेकिन ये प्रॉफिट भी एक्चुअल नहीं होता है, ये ओनर एंजॉय नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है, टैक्स। अब बोलेंगे सर इसमें वेरिएबल माइनस कर दिया, फिक्स माइनस कर दिया, तो ये आप अलग से क्यों, ये अलग से इसलिए माइनस किया कि पता चल सके बिजनेस के अंदर, पता चल सके बिजनेस के अंदर कि आपका पैसा ज्यादा लगा है कि सामने वाले का पैसा ज्यादा लगा है, मतलब लोन लेके तो नहीं लगाया, इसीलिए इंटरेस्ट को अलग से माइनस करते हैं। और टैक्स तो अलग से माइनस होता है, इट इज नॉट एक्सपेंस, इट इज योर ऑब्लिगेशन, ड्यूटी है आपकी भाई, पे करना है, एक रुपया पे कमाओगे तो भी भरना है, लॉस हुआ तो नहीं भरना है, इसलिए ऑब्लिगेशन अलग से दिखाना पड़ता है। तो क्या मिलेगा प्रॉफिट, पहला वेरिएबल माइनस किया, फिर फिक्स माइनस किया, ईबीआईटी आया, फिर क्या माइनस करने का, इंटरेस्ट और टैक्स। तो एक एक करके इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट किस पे लगता है, एक डिबेंचर्स हो गया या लोन हो गया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो अगर आपने इंटरेस्ट हटा दिया तो क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो नेक्स्ट आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स से पहले है तो टैक्स भर दो, तो टैक्स भरेंगे जैसे 35%, 40%, जो भी परसेंटेज रहेगा माइनस कर दो, तो आएगा आपको ये बिफोर टैक्स था, टैक्स माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। ये प्रॉफिट जो होता है, ये अर्निंग जो होता है, वो ओनर एंजॉय करता है। कौन एंजॉय करता है, ओनर। अब ओनर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेन ओनर, एक होता है को ओनर। मेन ओनर को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, और को ओनर को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आई बात समझ में। तो अब इसके बाद हम लोग पहले क्या करेंगे, मेन ओनर नहीं लेगा, को ओनर को देने का, तो को ओनर को क्या देना पड़ता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। आई बात समझ में। तो ओनर, ये पैसा ओनर का ही है, लेकिन कुछ पैसा मेन ओनर रखेगा और कुछ पैसा को ओनर रखेगा। तो छोटा, ये को ओनर मतलब छोटा, छोटा भाई है तो पहले छोटे भाई को दे दो यार, तो छोटे भाई को हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो मेन ओनर को बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल टू मेन ओनर। आई बात समझ में, यस और नो। उसके बाद भी होता है कि मेन ओनर को भी पूरा पैसा नहीं देते, कुछ पैसा देते, जैसे 100 रुपया आपका मेन ओनर का बचा तो 100 नहीं देंगे, 70 देंगे, तो बचा जो 30 वो रेसिडुअल अर्निंग है, आगे बिजनेस में काम आएगा। तो अगर आपने पूरा फॉर्मेट समझ लिया तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी के जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से कर पाओगे,
ठीक है। ये करने के बाद, फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन करने के बाद, जो भी ट्रिक आती है उसके लिए दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, पर ओनर कितना कमा रहा है, पर शेयर के पीछे, हिस्से के पीछे, एक हिस्से के पीछे कितना कमा रहा है उसको बोलते हैं। तो कुछ नहीं करने का, ये जो अमाउंट है ना, जो मेन ओनर की बात हो रही है, कोनर अपना पैसा लेके निकल गया, तो मेन ओनर को पैसा कितना देना है वो देखो, और डिवाइड बाय देखो कि कितने ओनर्स हैं। तो इसलिए दिया है PAES डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब कितने ओनर्स हैं। और दूसरा जो फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब मार्केट के हिसाब से आपने कितना अर्न किया। अब इसका लॉजिक बताऊं पीई रेशियो का, ये समझ में आया। ईपीएस, एक शेयर के पीछे, एक हिस्से के पीछे आप कितना कमा रहे हो। अगर आपने 100 करोड़ कमाया और एक ही ओनर है, समझो दो ओनर है, तो एक एक को 50 करोड़ मिलेगा। लेकिन ये 100 करोड़ कमाया 100 लोगों ने, तो एक एक करोड़ मिलेगा। तो 50 करोड़ अच्छा है कि 1 करोड़ अच्छा है। तो जिसका ईपीएस ज्यादा होगा उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं पीई रेशियो के बारे में बताऊंगा। पीई रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो है, मार्केट प्राइस को डिवाइड कर लेते हैं अर्निंग। तो मार्केट, समझो मार्केट में भाव चल रहा है 100 रुपया, आपने कमाया कितना, 20 रुपया कमाया, तो डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5। तो 5 का मतलब क्या है कि भाई आप किसी चीज के पीछे सिर्फ 20 रुपया कमाते हो और मार्केट में रेट उसका 100 चल रहा है, मतलब आप 5 गुना पे कर रहे हो। आ रही बात समझ में? तो पी रेशियो का मतलब ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, कि मार्केट में जो भाव चल रहा है उसके अगेंस्ट में हम कितना कमा रहे हैं। हाँ, ये चीज उल्टी हो गई कि भाई 20 रुपया मार्केट प्राइस चल रहा है, ऐसा होता नहीं है, और 100 रुपया अर्निंग है तो ये कंपनी बहुत अच्छी होगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि आप जो कमा रहे हो मार्केट में वो कम भाव में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये दो फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट 90% जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आप कवर कर पाएंगे। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके इंट्रोडक्शन, इसकी बहुत सारी थ्योरी है, कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज है, सबका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाके इसको रेफर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसमें कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट करके बताएंगे, जिससे हम वो चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।